हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो गाइस अभी अभी हो रही है दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज मुझे जाना है ससुराल। तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि थ्रेडिंग सब करवाना है। थ्रेडिंग देख सकते हो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2 महीने हो गए हैं मुझे थ्रेडिंग करवाए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह सब करवा लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर मन भी नहीं करता वीडियो वगैरह सब कुछ बनाने के लिए, तो इसलिए सपोर्ट करो मेरे चैनल को। और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मैं अगर आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे भी मन करेगा अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने का, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तो चलिए अब थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं और निकलते हैं मार्केट के लिए। दोपहर हो गई है और उसके बाद वहाँ से आकर मार्केट के मतलब आईब्रो बनाना है, जो तो कुछ काम नहीं है। आईब्रो बनाना है और उसके बाद निकलना है घर के लिए ससुराल, क्योंकि बाबू का भी ट्यूशन बंद है और स्कूल भी अभी बंद चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका। और उसके बाद एग्ज़ाम ही होगा, तो बस अभी जाऊँगी तो एग्ज़ाम में ही आऊँगी, एक दिन पहले आऊँगी, क्योंकि अब ट्यूशन वगैरह भी बंद है तो यहाँ पर रह के क्या करूँ, ससुराल ही चल जाती हूँ। तो चलो बने रहिए मेरी वीडियो में, जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पहले हो जाती हूँ मैं तैयार, अभी जस्ट नहा के आई हूँ। तो चलो, फेस कैसा आ रहा है आपका? मन आ रहा है कला। फिर देखिए इसको, देखो देखो हुआ देखो हुआ कौन नाम। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ अभी फाइनली रेडी और लग रहा है लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क हो गया है, कैमरा में लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। फिर यहाँ पे मैंने एक चोटी डाली है, ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, बस यही लिपस्टिक डाली हूँ, बस लिपस्टिक लगाई हूँ, सॉरी डाली हूँ क्या बोले। तो चलो चलते हैं, लेट काफ़ी हो गई है, फिर आना भी है, पैकिंग वगैरह भी करना है, जो भी ज़रूरी का सामान है रखना है और फिर निकलना है। तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए थे मार्केट और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कुछ सामान लिया था घर के लिए, ससुराल के लिए, जो कि कुछ बनाना था इसीलिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ पे ले रहे थे सामान सब, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और कुछ ज़्यादा काम है नहीं मार्केट में, बस थ्रेडिंग करवानी थी मुझे, तो इसीलिए आ गई थी। तो नहीं तो अभी ही निकल जाती घर के लिए, तो इसलिए आ गई थी मार्केट। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा, ये मंदिर रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम मैं कभी आऊँगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करके आपको, आप लोगों को दिखाऊँगी, यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। और क्या बोलते हैं, शिवरात्रि था तो बहुत ही अच्छा से डेकोरेशन किया गया था। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, मन किया था डोसा खाने का, तो हम लोग आए थे डोसा खाने, लेकिन इतना बकवास डोसा हम लोगों को यहाँ पे दिया ना, कि हम लोग का मन मतलब आईब्रो बनवाना है ना। आईब्रो बनवाना तो यहाँ पे मैं आ गई थी पार्लर में और देख सकते हो यहाँ थ्रेडिंग के पहले कैसा लग रहा है मेरा फेस और थ्रेडिंग के बाद कैसा लगेगा मैं आपको बताऊँगी। और पीछे कुछ कस्टमर सब आए हुए थे बाल बनवाने के लिए, तो वही देख रही थी वो, उसके बाद मेरा ही नंबर था। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा थ्रेडिंग भी हो चुकी है चुका है और थ्रेडिंग के बाद कितना फेस पे लाइट आ जाता है। तो अब हम लोग निकल लिए थे अभी, मेरा मार्केट का जो भी काम था हो चुका था और अभी जाऊँगी रूम पर और वहाँ से फिर तैयार होकर वहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, इस टाइम अभी रेलवे गुमटी बंद था, यहाँ से ट्रेन निकल रही थी तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। और ये रेलवे गुमटी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, मतलब एनी टाइम ही बंद रहता है, तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में।
तो फ्रेंड्स अभी मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया है, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था और ये देख सकते हो मैंने थ्रेडिंग भी बनवा लिया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। बहुत दिन बाद मैं बनाई हूँ, 2 से 2.5 महीने हो गए हैं बनाए हुए, तो आज मैं बना ली फाइनली। और बेटी का बर्थडे है तो इसलिए, तो अब मैं घर के लिए रेडी हो रही हूँ, जल्दी से पहन लेती हूँ साड़ी, कपड़े वगैरह सब डाल रही हूँ इसमें और अभी मैं हो जाती हूँ साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ। अब बस 1/2 घंटे में मैं निकलूँगी, शाम भी हो गई है तो जल्दी से मैं अब साड़ी पहन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी हो गई थी बैग पैक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आने के बाद, और यहाँ मैंने सूट को हटा कर साड़ी पहन लिया है जल्दी से, क्योंकि अभी टाइम भी हो गए थे, 5 बज गए थे इस टाइम, तो हम लोग जल्दी से रेडी हो रहे थे क्योंकि जल्दी निकलना है, 1 घंटा लग जाता है जाने में घर, तो इसलिए हम लोग सोचे कि जल्दी से सवेरे ही निकलें जो जल्दी में पहुंच जाए। तो ये वाली मैंने साड़ी डाली है, ये लाइट वेट साड़ी है, आने जाने के लिए ठीक है, कहीं आने जाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ करना था नहीं, बाल वगैरह सब ठीक ही था, बाइक पर जाना था तो ज़्यादा मैंने मेकअप शेकअप भी नहीं किया। आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बर्तन वर्तन धुला और उसके बाद रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। साड़ी में कैसी लग रही है आप लोग बताना, शूट में अच्छी लगती हूँ कि साड़ी में आप लोग बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे घर का हाल हो गया है, थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो आने के बाद इसको ठीक करूँगी। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उसके बाद वीडियो नहीं बनाई कुछ, और उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुंच गई थी ससुराल घर पर। अभी मुझे आए हुए 1-1.5 घंटा हो गए थे आए हुए, तो मैं भी जा रही थी चेंज करने, तो देख सकते हो रात भी हो गई थी आते आते। तो बस यहाँ पे मैंने आके फेस वगैरह सब धुला, और क्योंकि वहाँ पे फिर मैं आने के बाद कुछ किया भी नहीं और डस्ट इतना ज़्यादा पूरा फेस पे पड़ा हुआ था कि किच किच जैसा कर रहा था, तो आने के बाद मैं पहले अपने फेस को अच्छे से फेस वाश से धुला। और बस यही था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा खास तो नहीं है, बस यही था वीडियो। बना नहीं रही हूँ तो सोची कि कुछ भी बना लूँ वीडियो, कुछ तो जाए, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं यूट्यूब पर तो मैं क्यों पीछे जाऊँ। और टमाटर कहाँ है? टमाटर कहाँ है? अच्छा पैरोट, अच्छा एक कहाँ? दो, तुम छोड़ो ना, एक कहाँ? एक दो, हाथी कहाँ है? रैबिट कहाँ है इसमें? रैबिट कहाँ है? रैबिट देखो ना, रैबिट कहाँ है? हाथी कहाँ है? मैंगो, आइए संतरा। ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज, हाथी कहाँ है? अम्ब्रेला कहाँ है? इधर देखो, अम्ब्रेला कहाँ है? अम्ब्रेला कहाँ है? आए अम्ब्रेला कहाँ है? देखो यहाँ ठीक से। लायन कहाँ है? टाइगर कहाँ है? तो फ्रेंड्स बस घर आने के बाद मैंने बस कुछ किया नहीं, यही था बब्बू सब का मस्ती, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया, ये भी थे, सब मस्ती कर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलो अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को वीडियो पसंद आए तो मिलती हूँ अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बाय। चुमा दे, जल्दी दो। क्या हुआ?